और रुक करेंगे सहवन शरीफ का, जहां खुशहाल खान एक्सप्रेस फिर हादसे का शिकार हो गई है। 13 बोगियां पटरी से उतर गई हैं और सन के मुकाम पर हादसा पेश आया। बताया जा रहा है कि ट्रेन कराची से पेशावर जा रही थी। हादसे को कई घंटे गुजर जाने के बावजूद ट्रैक को बहाल ना किया जा सका। सन और आमरी के दरमियान अप और डाउन ट्रैक ताहाल मुअत्तल हैं और रेस्क्यू अमला कम होने के बाइस इमदादी कार्रवाइयाँ सुसरवी का शिकार हैं। ट्रैक बहाल ना होने से मुसाफिरों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे ट्रैक की बहाली में 10 से 12 घंटे लग सकते हैं। रेलवे हुकाम की जानिब से यह बताया जा रहा है, मुतबादल ट्रेन न मिलने पर मुसाफिर पैदल ही सामान उठाकर चलने पर मजबूर हैं। इसी पर बात करेंगे कैपिटल टीवी के नुमाइंदे अब्दुल वहीद से। अब्दुल वहीद, इस हादसे से मुतालिक रेलवे हुकाम की जानिब से क्या तफसीर बताई गई है और ट्रैक कब तक बहाल होगा, इस बारे में कुछ मालूम हो सका? नहीं जनाब, ये खुशहाल खान खट्टक जो के रात को तकरीबन 12 बजे से 1 बजे के अंदर अंदर जो है वो लक्की और आमरी के बीच में पटरी से उतर गई। इसकी 13 बोगियां जो है उतर गई हैं। अब रेलवे हुकाम जो है वो कहते हैं कि इसको 10 से 12 घंटे लगेंगे, लेकिन इससे भी मुझे मेरा अंदाजा है कि इससे भी ज्यादा टाइम लगेगा। जी सही, बहुत शुक्रिया आपका, तफसीला दे रहे थे अब्दुल वहीद। थैंक यू। आपको खबर दे रहे हैं सहवन शरीफ से, जहां रेस्क्यू अमला बताया जा रहा है।